अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेफ सिटी टीवी और मैं हूं आदिल हसनात। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। पंजाब भर से गुज़श्ता 24 घंटों में पुकार 15 सेंटर में 72,636 एमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई। 5,313 कॉल्स पर बरवक्त रिस्पॉन्ड किया गया, जबकि 53,693 कॉल्स गैर जरूरी करार दी गईं। गुज़श्ता 24 घंटों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 5,133 इलेक्ट्रॉनिक चलान जारी किए गए। वर्चुअल पेट्रोलिंग अफसरान ने कैमरों की मदद से 784 मशकूक सरगर्मियों की ऑब्जर्वेशन दी। पंजाब पुलिस की बिछड़ों को अपनों से मिलवाने की रवायत बरकरार। तहफ्फुज मंजिल फोस्टर होम ने एक और अहम कामयाबी हासिल कर ली। 14 साल साजिद को अपने वालिद से मिलवा दिया। शाबाश रावलपिंडी पुलिस शाबाश थाना न्यू टाउन के इलाके में गन पॉइंट पर शहरी को लूटने वाले दो डकैत गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से लूटी गई रकम 60 लाख रुपए, असलहा और मोटरसाइकिल भी बरामद। जेहलम पुलिस की बड़ी कामयाबी, थाना डोमली पुलिस टीम ने खातून से रेप और कत्ल के मुकदमे में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। शाबाश उकाड़ा पुलिस शाबाश थाना सिटी दीपालपुर पुलिस ने 2.5 साल बच्चे रेहान को मुसलसल मेहनत के बाद बाहिफाजत तलाश करके वालदैन के हवाले कर दिया। पंजाब पुलिस की बिछड़ों को अपनों से मिलवाने की रवायत बरकरार। तहफ्फुज मंजिल फोस्टर होम ने एक और अहम कामयाबी हासिल कर ली। 14 साल साजिद को अपने वालिद से मिलवा दिया। साजिद घर वालों से नाराज होकर फैसलाबाद से लाहौर आ गया था। तहफ्फुज मंजिल फोस्टर होम में साजिद की बकायदा काउंसलिंग की गई और इसे महफूज माहौल में अच्छा खाना, कपड़े और रहायश फ्राहम की गई। साजिद और इसके वालिद ने बेहतरीन सहूलियात मिलने पर पंजाब पुलिस और तहफ्फुज मंजिल फोस्टर होम का शुक्रिया अदा किया। थाना न्यू टाउन के इलाके में गन पॉइंट पर शहरी को लूटने वाले दो डकैत गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से लूटी गई रकम 60 लाख रुपये, वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा और मोटरसाइकिल भी बरामद। मुलजिमान ने कमर्शियल मार्केट के इलाके में शहरी से गन पॉइंट पर रकम छीनी थी। मुलजिमान से दौरान तफ्तीश दीगर वारदातों में छीने गए 6 लाख रुपए और लाखों रुपए मालियत का कीमती मोबाइल फोन भी बरामद हुआ। न्यू टाउन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज समेत जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से मुलजिमान को ट्रेस करके गिरफ्तार किया। महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मोक रडार के मुताबिक आज मजमूई तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या रिकॉर्ड किया गया है, जानिए इस रिपोर्ट में। महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मोक रडार के मुताबिक इस वक्त मजमूई तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 177 है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो माल रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 130, पंजाब यूनिवर्सिटी 127 और सेफ सिटीज अथॉरिटी में 120 रिकॉर्ड किया गया। बिलाशुबा स्मोक मुख्तलिफ अमराज का बायस बन रही है, जिनसे बचने के लिए आपको माहिरीन सेहत की इन एडवाइस पर अमल करना होगा। सुबह वॉक पर जाने वाले शहरी स्मोक से बचाव के लिए अपनी रूटीन में तब्दीली लाएं। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क और चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। दिल या दमे के मरीज, बूढ़े अफराद और बच्चों को स्मोक से बचाने के लिए ज्यादा एहतियात करें। रोजमर्रा रूटीन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। घर में सफाई के लिए पानी और गीला कपड़ा जरूर इस्तेमाल करें और कूड़े को हरगिज आग ना लगाएं। ये स्मोक में इजाफे की सबसे बड़ी वजह है। आइए हम सब मिलकर अपने माहौल को साफ रखें और स्मोक फैलाने वालों की तला 15 पर दें। साफ माहौल, महफूज लाहौर। जेहलम पुलिस की शानदार कार्रवाई, थाना डोमली पुलिस टीम ने खातून से रेप और कत्ल के मुकदमे में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ जेहलम की खसूसी हदायत की रोशनी में डोमली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम अब्दुल कयूम को गिरफ्तार किया। मुलजिम गुज़श्ता चंद माह से डोमली पुलिस को खातून से ज्यादती और कत्ल के मुकदमे में मतलूब था। मुलजिम खातून के कत्ल के बाद से गिरफ्तारी से बचने के लिए रूपोश था। ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी और पंजाब पुलिस के सोशल मीडिया पेजेज़।